आते हैं। देखो देखो ओम, एक्चुअली क्या है कि अगर आप देखो पी पॉइंट है हमारा, ये एक जंक्शन है। जंक्शन पे क्या होता है, जितना आता है उतना जाता है, आपको पता है जंक्शन रूल क्या होता है। बताओ बच्चे ओम क्या होता है जंक्शन रूल, जितना आएगा उतना जाएगा। पी पॉइंट पे कितना आ रहा है, कितना करंट आ रहा है बताना, कितना आ रहा है बताओ ओम। I3 आ रहा है, और जितना आएगा उतना जाएगा, जाएगा जा कितना रहा है I1 + I2। तो I3 किसके बराबर हुआ, I1 + I2 के बराबर हुआ या नहीं हुआ, बोलो। हुआ सर। तो जब भी इक्वेशन आए तो यहाँ I1 I2 I3 तीन अननोन की फॉर्म में मत रखो, यूज I3 = I1 + I2, उससे अननोन की संख्या कम हो जाएगी आपके पास। करो बनी इक्वेशन। करूं मैं? हेलो। नो सर, अभी बीस चालीस चालीस अस्सी बीस I1 I2 I3। करें भाई, बोलो भाई बच्चा। कर रहे हैं सर, I1 I2 इक्वल आ रहा है। हाँ जब बट वैल्यू क्या आ रही है तो बताओ सर। I3 का तो समझ ही नहीं आ रहा सर, कैसे करें। चलो भाई हम चालू कर देते हैं, काफी टाइम हो गया। अच्छा सर, I1 की वैल्यू 3 - 3/4 आ रही है। चलो अच्छा देखते हैं। पहले तो मैं एक चीज साफ बता दूं, मैं I3 की जगह I3 तो लूंगा ही नहीं कभी, जहाँ I3 लूंगा उसकी जगह I1 + I2 लिखूंगा, ठीक है। रही बात, इसका नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ। दो अननोन है I1 I2, I3 की तो वैल्यू I1 I2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इक्वेशन बनाएंगे। लूप अपनी मर्जी से कोई सा भी चुन सकते हैं। कितने लूप यहाँ पे, कितने लूप है बच्चों बताओ, कितने लूप है यहाँ पर? 3 3। मैं कोई से भी दो चूज कर सकता हूँ, मैं कौन से दो चूज करना प्रेफर करूंगा, कोई से भी दो या फिर बड़ा वाला या छोटा वाला? देखो बच्चे, मैं अपनी पसंद से वो लूप चूज करता हूँ जिसमें एलिमेंट कम हो। कोई बच्चा बताएगा क्यों एलिमेंट कम वाला लूप फायदेमंद क्यों है? जिसमें कम एलिमेंट हो वाला लूप अच्छा क्यों, मेरे हिसाब से बताओ, आपके हिसाब से क्यों? सर इक्वेशन जल्दी बन सके।
एक कम वेरिएबल है तो लफड़ा कम आएगा। एक तो सर सॉल्व करना इजी होगा, बस कन्वेंशन में कम झंझट होगा। ए बी सी एफ ए, एक तो लूप ही हो गया मेरा ए बी सी एफ ए। तो भाई चालू करो, ए से बी चले, क्या पढ़ा? I 1.2 आ रहा है। अच्छा ए से बी चले तो या माइनस 20 आई वन बताओ बच्चे, कोई दिक्कत? ये कोई दिक्कत माइनस 20 आई वन दिखने में? ठीक है ए से बी गए, बी से सी कुछ नहीं पढ़ा, अब सी से डी जा रहे हैं। बैटरी की वोल्टेज माइनस लेंगे प्लस लेंगे बताओ? सी से डी प्लस 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 लेंगे बताओ बच्चे क्यों? प्लस क्यों? क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव है, मतलब बुरे से अच्छे हो रहे हम, अच्छी बात है। फिर हम रजिस्टर के थ्रू जा रहे हैं, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं, माइनस माइनस में माइनस लेंगे। मुश्किलों के साथ जा रहे हैं, मुश्किलों के अपोजिट नहीं जा रहे हैं। आई थ्री की जगह आई थ्री लिखूंगा मैं, आई थ्री की जगह आई वन प्लस आई टू लिखूंगा, इज इक्वल टू जीरो, समझे? इसको सिंप्लीफाई करो। फोर्टी आई वन माइनस फोर्टी आई टू इज इक्वल टू जीरो। अब क्या हुआ भाई, आई वन क्या बन गया बताओ? आई वन क्या आ गया? ये हुआ माइनस सिक्सटी आई वन माइनस फोर्टी आई टू प्लस इज इक्वल टू माइनस फोर्टी। फोर्टी को इधर भेज दो। कोई डाउट बच्चे किसी को? पूरी क्वेश्चन को 20 से डिवाइड कर दो, माइनस 20 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? थ्री आई वन प्लस टू आई टू इज इक्वल टू टू। कोई डाउट बच्चे किसी को? सही है गलत है? वो चेक कर लो, कोई गलती तो नहीं की मैंने? अरे भाई देखो भाई, कोई गलती तो नहीं सही है सर? पक्का सही है सर, यही आ रही है। चेक कर लिया पक्का अच्छे से? क्योंकि मिस्टेक हो गई तो पूरी कहानी खत्म। चलो अब मैं दूसरा लूप चूज करूंगा, बट दूसरा लूप मैं चूज करूंगा कौन सा वाला बच्चे बताओ, जिसमें एलिमेंट कम है। कम एलिमेंट किसमें है? ए बी डी ए। ए बी डी ई ए, हाँ अच्छे। लूप ए बी डी ई ए कम एलिमेंट है कंपैरिजन विथ अनदर लूप। भाई चलो लेते हैं वैल्यूज, तो हम चले ए से बी। ए से बी तो फिर से वही आया माइनस ट्वेंटी आई वन। फिर बी से डी तो कुछ भी नहीं है। फिर डी से ई की तरफ जा रहे हैं तो करंट सामने से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से करंट आ रहा है। कितना आ रहा है? आई टू आ रहा है। देख रहे हो बच्चों, आई टू करंट आ रहा है पूरी ब्रांच में। अब कई बच्चों का ध्यान नहीं जाता है, ये देखो आई टू को एक बार देखो। अगर यहाँ आई टू है तो पूरी ब्रांच में ही आई टू होगा, समझे बच्चे? अरे समझ रहे हो? सर अगर ई एफ से ई आई टू आ रहा है तो फिर वो आगे भी ई से डी, डी से सी, पूरे रास्ते में आई टू ही होगा। तो जब हम डी से ई की तरफ बढ़ रहे हैं तो रजिस्टर आया, रजिस्टर का पोटेंशियल अब क्या होगा? आई आर होगा। आई आर कितना होगा? 20 और आई टू हो जाएगा प्लस या माइनस? प्लस, क्योंकि हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं। फिर हम बैटरी से गुजरेंगे, बैटरी का वोल्टेज माइनस 80। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव अच्छे से बुरे हो रहे हैं। फिर कोई एलिमेंट नहीं पड़ा, फिर हम ई से लेके ए पहुंच गए। टोटल में लगे तीन एलिमेंट पड़े और तीनों की हमने वोल्टेज ले ली। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई बोलो, कोई डाउट किसी को? कोई है? अरे नो सर। आगे बढ़े। अब इस इक्वेशन को क्या करें, 80 को उधर ले जाओ और क्या करो, डिवाइड कर दो। किससे? बी से डिवाइड कर दो। माइनस आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू चार। दूसरी इक्वेशन हो गई बच्चों? यस सर। अब दोनों इक्वेशन का क्या करें, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वगैरह कुछ भी कर लो। नीचे वाली इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, टू सेकंड इक्वेशन को। ये क्या हो जाएगी? माइनस थ्री आई वन प्लस थ्री आई टू इक्वल टू ट्वेल्व। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, फाइव आई टू इक्वल टू फोर्टीन। नीचे आ गया I2, क्या हो गया? टू पॉइंट एट एम्पीयर। कोई डाउट? नो सर। और अगर I2 2.8 हो गया तो I2 की वैल्यू पुट कर दो कहीं पे जाके,
किसी भी इक्वेशन में जाके, माइनस आई वन प्लस 2.8 इक्वल टू 4, माइनस आई वन इक्वल टू बोलो 1.2, ये आई वन माइनस 1.2 आ रहा है। यस सर, माइनस 1.2 एम्पीयर। आई वन तो यही आ रहा है। आई वन ही तो निकालना था। आई टू जीरो पॉइंट। आई थ्री को प्लस कर देंगे दोनों को। देख लो बच्चे, अब चेक कर लो, मैंने जो किया आपके सामने सब आप देख लेना, चेक कर लेना, मतलब आपको समझ में आ गया करना कैसे है, काम कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करना है। हेलो। यस सर। समझ गए भाई, देखो समझना जरूरी है किस तरीके से क्वेश्चन करना है, समझ गए, अच्छी बात है। अब आगे बस प्रैक्टिस करनी, कुछ क्वेश्चन करने, चलो अच्छे चालू करते हैं। और कुछ आपको होमवर्क भी दे देंगे, थोड़ा हार्ड वाले होमवर्क दे देंगे करने को, तो एक काम करो, कर दो भाई दो चार क्वेश्चन। ये राशि बेसिक थोड़ा हार्ड दें, हार्ड चलेगा या ऐसे यही यही करोगे? अरे बोलो भाई, हार्ड ट्राई कर लेंगे, हार्ड ट्राई करते, चलो शाबाश बच्चे, होनहार बच्चे हमारे, ट्राई हार्ड चलो। लो एक काम करो बच्चे, ये क्वेश्चन करो, चलो तीन अननोन है, तीन इक्वेशन बनेगी, तीन इक्वेशन ही बना लो, चलो बाकी तो दूर की बात है आगे की। वैसे एग्जामिनेशन में आता नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा पड़ जाता है ये। क्या पूछा हुआ है भाई? हेलो 17 ईच ब्रांच। एक काम करो अच्छे, जैसे इसमें तीन अननोन मैंने कर रखा है, आई वन आई टू आई थ्री, अच्छी बात है, अच्छे आई वन आई टू आई थ्री। एक काम करो, तीन तीन लूप की इक्वेशन बना लो, मैं आपको देता हूँ, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, क्योंकि इतना टाइम अभी है नहीं ना, क्लास में करोगे तो बहुत टाइम सॉल्यूशन वेस्ट हो जाएगा। मैं एक काम टास्क देता हूँ, एक काम करो, बहुत सारे लूप बनेंगे यहाँ तो आप एक काम करो, लूप ए बी सी ए, एक तीन अननोन है आई वन आई टू आई थ्री, कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी बताओ? तीन। एक ले लो लूप ये, और एक ले लो लूप बी बैटरी वाला एक्स, मान लो उसको बी एक्स डी बी, समझ गए, बैटरी वाला लूप, 5 वोल्ट की बैटरी वाला लूप, ठीक है। एक ये लूप ले लो, एक ये लूप ले लो ए डी सी ए, लूप ए डी सी ए, ये तीन लूप की इक्वेशन बना दो, हम चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको बता देंगे कैसे करते हैं सॉल्व आगे, बट अभी करना नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना। हुआ
अरे सर पहले फिगर तो नोट कर। कितना समय लगेगा बच्चों? कितना टाइम लोगे भाई? सर अभी तो सिर्फ इक्वेशन बनानी है ना। इक्वेशन ही बनानी है, सॉल्व नहीं करना है आपको फिलहाल। सर हो गया, बाकी होगा। हो गया चलो भाई अब हम चालू करते हैं अपना कार्यक्रम। चालू करें? यस सर। तो भाई सबसे पहले लूप ए बी सी ए, चलो चालू करो भाई। क्या क्वेश्चन होगी भाई? माइनस फोर आई टू, ठीक है, माइनस टू आई टू प्लस आई थ्री, ठीक है बच्चों, माइनस वन आई वन और प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। आगे सिंपलीफाई कर सकते हो इसको थोड़ा बहुत आगे? सिंपलीफाई मतलब पता है ना आपको, अलग अलग करके पूरा? यस सर। कर ले फिर, कौन सा लूप था? ये हो गया, ये तो हो गया ए बी सी ए, फिर हो गया बी एक्स डी डी लूप, बी से एक्स गए फिर बैटरी आई, बैटरी का वोल्टेज क्या लेंगे, प्लस फाइव या माइनस फाइव? माइनस फाइव। पॉजिटिव नेगेटिव जा रहे हो, फिर डी पे पहुंच गए, डी से पहुंचे अब सी पे, डी से सी में क्या लेंगे, प्लस लेंगे माइनस लेंगे? प्लस लेंगे, क्योंकि करंट क्या लेंगे, आप जो जा रहे हो करंट के अपोजिट जा रहे हो। टू करंट कितना है इसमें? आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई वन, माइनस आई वन, ठीक है। फिर सी पे पहुंच गए, सी से फिर आगे बी पे पहुंचे तो फिर से एक रजिस्टर पड़ा और वो भी आप करंट के अपोजिट जा रहे हो, तो क्या आएगा, प्लस टू आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा वहीं पॉइंट पे। कोई दिक्कत अच्छी किसी को? बोलो भाई सर। ये क्या था? बी एक्स हमने नाम दिया है, डी बी ये आ गया, और इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर लोगे आप लोग बाद में। फिर हमने दिया था कौन सा लूप, ओम बताओ, ए डी सी ए, ए डी सी ए, ए से डी निकलोगे क्या आएगा? अच्छा सबसे पहले क्या पड़ेगा, चारों का रजिस्टर पड़ेगा, क्या लेंगे, प्लस लेंगे माइनस लेंगे? माइनस फोर आई वन माइनस आई टू।
आई वन माइनस, आप लोग इक्वेशन बनाना सीख गए यार, अगर आप इक्वेशन सीख गए तो सिंप्लीफाई भी कर ही लो। डी से आप पहुंचे डी से सी, दो ओम का रजिस्टर पड़ा, माइनस लेंगे प्लस लेंगे, प्लस लेंगे प्लस लेंगे, प्लस टू कोई आई टू आई माइनस आई वन, फिर सी से ए तक किधर जा रहे हैं रजिस्टर आया, प्लस लेंगे माइनस लेंगे, माइनस लेंगे माइनस लेंगे आई इनटू आई वन, फिर प्लस 10 वोल्ट, प्लस 10 इज इक्वल टू 0, समझ गए अच्छे? यस सर, हो गया। यस सर, अब एक्चुअली क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जैसे यहाँ पर अब जो इक्वेशन बनेंगे उसमें तीन अननोन होंगे, तीन इक्वेशन होंगी, जैसे कि ये इक्वेशन है x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू टू, मान लो टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फोर, और मान लो x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर जेड इज इक्वल टू फाइव। अब यहाँ पे तीन अननोन की इक्वेशन है, दो इक्वेशन में तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन यूज करके सॉल्व हो जाता था, तीन अननोन की तीन वेरिएबल की इक्वेशन कैसे सॉल्व कर पाओगे बताओ? कोई बच्चा बोलो भाई, कोई लॉजिक, कोई दिमाग? पहले दो को कर लेंगे फिर उसकी इक्वेशन आएगी, उसको तीसरे से कर लेंगे। पहले दो इक्वेशन से कोई भी एक चीज को पकड़ के एलिमिनेट कर दो, जैसे अगर आपका मन किया कि एक्स को एलिमिनेशन करना है तो इन दोनों से आप एक्स को एलिमिनेशन कर दो, वाई और जेड की फॉर्म में इक्वेशन बना दो, ऐसे ठीक इन दो के साथ भी ऐसे ही करना, जैसे किसी भी चीज को आप एलिमिनेट कर दो उठा करके, तो बट एक ही चीज को एलिमिनेट करना, अगर आप एक्स चाहते हो तो एक्स को ऊपर वाले पेयर और नीचे वाले पेयर से एलिमिनेट करना, जब ऊपर वाले पेयर से और नीचे वाले पेयर से एलिमिनेट करोगे तो आपके पास एक जैसे यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, अगर एक्स को वाई एंड जेड की फॉर्म में, यहाँ से भी एक इक्वेशन आ जाएगी वाई एंड जेड की फॉर्म में, दो इक्वेशन हो गई सॉल्व हो जाएगी। तो यही रूल होता है बच्चों कि कोई भी दो इक्वेशन आपके पास होती हैं, अगर तीन इक्वेशंस होती हैं तो दो दो के पेयर में किसी एक चीज़ को पकड़ के एलिमिनेट कर देते हैं और बाकी दो वेरिएबल के फॉर्म में दो इक्वेशंस आ जाती हैं। समझे नहीं समझे इस बात को? जैसे मान लो कि मैंने, मेरा मन है, मेरी इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन है, तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से एक्स को एलिमिनेट कर देते हैं, कैसे करोगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से एक्स को एलिमिनेट कैसे करोगे? कोई बच्चा लॉजिक बताएगा? फर्स्ट को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट को टू से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। हाँ बोलो, हेलो, की वैल्यू टू माइनस मल्टीप्लाई कर देना और दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना। ऐसे ही अगर सेकंड थर्ड में से भी आप एक्स एलिमिनेट करना चाहते हो तो नीचे वाली इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर देना और दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना, एक्स एक्स गायब हो जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन भी वाई जेड की फॉर्म में आ जाएगी, नीचे वाली इक्वेशन वाई जेड की फॉर्म में आ जाएगी, सिंप्लीफाई कर देना आंसर आ जाएगा। कोई डाउट बच्चों? हेलो, यस सर, समझ गए बच्चों? कोई डाउट? यस सर। खैर अभी नहीं कर रहे यार, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, टाइम भी बहुत चला जाएगा, इतना हम नहीं कर सकते, तो अब हम क्वेश्चन चलाते हैं आगे फर्दर, ठीक है? और होमवर्क लिख लो बच्चे, होमवर्क कर दो, चलो एक गंदा सा क्वेश्चन होमवर्क देते हैं आप, अच्छा सा, मतलब गंदा नहीं अच्छा क्वेश्चन, चलो अच्छे 3.9 मजे से करना, होमवर्क है सर ये? अच्छा बोलो, बैक एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 3.9। और ये सर बीच वाले रेजिस्टर में करंट जाएगा? हाँ बच्चे अभी जा रहा है इसमें। अच्छा अब इसमें वैल्यूज नहीं दी हुई हैं आई वन आई टू आई थ्री, तो क्या करें बताओ? जैसे इस क्वेश्चन में आई वन आई टू आई थ्री नहीं दिया हुआ, क्या करें बोलो? बोलो भाई क्या करें, व्हाट टू डू? कोई बच्चा है हुनार? कर लेगा ना सर, मान लो हम इसको आई थ्री मान लेते हैं, ठीक है, इसको हमने I1 मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, I2 मान लिया, कोई डाउट बच्चे बोलो? इसको हमने I4 मान लिया, ठीक है, तो अच्छा B से C ब्रांच में करंट क्या होगा बताना, करंट इन B C ब्रांच,
I1 minus I4। शाबाश बच्चे, I1 minus I4। क्यों? क्योंकि I1 पीछे से AB से I1 आ रहा था यहाँ से, और I1 का कुछ हिस्सा उधर चला गया I, तो उसमें अब जो रहा I1 minus I4 रहा। अच्छा ये जो ब्रांच है, यार नाम नहीं दिया हुआ इसको, एक मन मान दो डी ब्रांच, डीसी ब्रांच में करंट कितना होगा बताओ? I2 plus I4। शाबाश बच्चे, कैसे? क्योंकि I2 भी आ रहा था, जितना आएगा उतना जाएगा। आ कौन कौन सा रहा है? I2 आ रहा है पीछे से और I4 आ रहा है, ये समझ रहे हो? डी पॉइंट पर कौन कौन से करंट आ रहे हैं? एक I2 आ रहा है और एक I4 आ रहा है, और जा कौन सा रहा है? ये देखो I2 और I4 आ रहा है, और जा कौन सा रहा है? जाएगा क्या? दोनों मिला के जाएगा। फिर सी पॉइंट पे क्या होगा? सब मिल जाएंगे क्योंकि सब आ रहे हैं, सब मिलेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? I1 माइनस I4 प्लस I2 प्लस I4 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 जो कि I3 हो जाएगा। समझे बच्चों? यस सर। तो अब जैसे ये हमारी बना, तो क्या करोगे? कितने अननोन है? चलो इस इक्वेशन में कितने अननोन है बताओ? दो अननोन है सर। दो तो नहीं है, तीन है। तीन सर। कौन कौन से बताओ? चार है सर, चार है। I3 तो eliminated है ना, हटा रखा है उसको। तो mainly तीन unknown है यहाँ पर देखा जाए तो। कौन कौन से? I1, I2, I4। चलो अच्छा इक्वेशन फॉर्म करो इसकी, एक काम करो, मैं लूप, एक काम करो इक्वेशन फॉर्म कर दो, उसके बाद हम आगे बढ़ते। लूप ए बी डी ए ले लो, बी सी डी बी ले लो, और क्या लोगे बताओ? और पूरा लूप ले लो चलो, या फिर एक लूप ले लो ऐसा जो बैटरी से, एक लूप ये ले लो। दिख रहा है अच्छा फिगर में कौन सा लूप कह रहा हूँ मैं? यस सर। ये लूप इक्वेशन बना दो, इक्वेशन बना दो। चलो शाबाश, दो मिनट का समय दे रहे हैं। जितना आप इक्वेशन बना पाओगे, देखो यार हर चीज इक्वेशन पे है, इक्वेशन बन गई तो सॉल्व करना है, उसमें फिजिक्स का कोई रोल नहीं है, मैथमेटिक्स का रोल है आगे। पहले समझ में आ गया आपको? I1, I2, I3, I4 लिए, ये कैसे लिए हमने? अरे भाई समझ, ये जो बहुत जरूरी है ये चीज लेना, क्योंकि अगर यही गलत ले होगे तो सब खत्म, क्वेश्चन वोशन पूरा खत्म, कुछ ना आएगा फिर। ए बी डी ए क्या इक्वेशन होगी बोलो भाई? ए ए बी डी ए की आ गई? यस सर। ठीक है, फिर बी सी डी बी क्या होगी? ये हो गई बोलो। अरे बोलो भाई। yes, sir. और वो जो अभी हमने लूप लिया है वो वाला, उसकी क्या ही होगी? उसकी होगी माइनस 5i2 माइनस 10
आई टू प्लस आई फोर प्लस टेन माइनस टेन आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू जीरो. समझ गए अच्छे रफली लिख रहा हूं मैं. हेलो यस सर समझ गए सुन रहे हैं. हो जाएगा ना बच्चों कर लोगे ना कर लेना इसको. एक काम करना पूरा कंप्लीट करना. अच्छा जो हमने अभी दोनों ही क्वेश्चन कराए हैं आखिरी में इसको बच्चे कर लेना यार. ऐसा नहीं कि छोड़ दिया भाई. देखो एक तो बोर्ड पे भी क्लासरूम में भी कराते तो भी टाइम लिमिटेशन था. अगर हम लाइव मतलब वहाँ पे कराते फिजिकली तो भी इतना मतलब नहीं वहाँ नहीं कराते क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते इतना. खैर अभी तो और लिमिटेशन हैं आपको तो पता ही बच्चों. अभी तो बोर्ड की भी लिमिटेशन है हमारी स्क्रीन की भी. तो खैर कोई नहीं बच्चों ऑल दो ये मैटर नहीं करता सब अब तो पढ़ाई के आगे. तो इसको कर लेना बच्चों अपनी प्रैक्टिस करो. थोड़ा सा आप लोगों को टीचर्स को एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ रहा है ऑनलाइन के चक्कर में आपको पता ही होगा इन चीज़ों के बारे में. तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और आगे करते हैं ठीक है. तो अब आखिरी वैरायटी इसमें बच गई बच्चों ये सीख लो उसके बाद ये वैसे सब खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा ठीक है. वैसे अब वीडियो दोबारा चालू कर देते हैं क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है हमारा. मैं एंड कर रहा हूँ बच्चों वीडियो दोबारा ज्वाइन करो एंड कर रहा हूँ. Thank you.